नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीसीएस प्री उत्तर कुंजी की। एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ प्रथम प्रश्न पत्र का, और ये दूसरे प्रश्न पत्र का वीडियो है, और इसमें जो सेकंड पेपर है उसकी उत्तर कुंजी पर चर्चा की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये बाहर का पेज है, ए सीरीज है। ए सीरीज में जो सेकंड पेपर होता है उसमें 100 प्रश्न आते हैं। एक जो प्रश्न होता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 100 प्रश्न है। एक जो प्रश्न होता है वो 2 नंबर का होता है, 200 का पूर्णांक होता है। और ये रहा पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है हिंदी का पैराग्राफ है, और उससे ये प्रश्न है। सबसे पहला जो प्रश्न है कि इस अवतरण का सर्वथा उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो आशावादी और निराशावादी। नंबर 2 है, परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, तो ये परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नकारात्मकता का आशा है निराशावाद, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए आप चौथे प्रश्न पर, कि निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं, तो चौथे का ए हो जाएगा, निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है। पांचवा, आत्मिक आनंद से क्या मतलब है, तो ये मन की मौज है। पांचवा, छठवां, कौन सा व्यंजन उच्चारण तालु का है, तो KTMDO जिसने पढ़ा होगा उसने कर दिया होगा, UPSC टाइप क्वेश्चन था ये। चा छा जा झा, ये होते हैं तालु। और इसके बाद में क्रिया विशेषण, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है आठवां, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो तो वो समरूप कहलाते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आइए 9वें नंबर पर, बच्चा तत्व का हो जाएगा वत्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10वां, आभ्यंतर मतलब अंदर का, इसका उल्टा हो जाएगा वाय, ये सही हो जाएगा। 11वां, रामचरितमानस सबको पता है अवधि में है, सी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है बीएड का, 11 का सी। और 12वां क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए, तो इसका जो है होना चाहिए, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, और क्योंकि और डी ऑप्शन सही होना चाहिए। और फिर निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है, तो ये तीनों होते हैं। और ये जो 12वां क्वेश्चन है इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं खुद ही बता रहा हूँ आप लोगों को। और 14वां जो प्रश्न है कि इसका महत्व होगा, देख लीजिए 14वें का डी महत्व। इसके बाद में 15वां का मात्र नाम का पहला वाला हो जाएगा, ये मात प्लस ऋणाम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में है 16, गमला और आलपिन, ये पुर्तगाली है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन UPSC टाइप का। और इसके बाद अपनी करनी पार उतरनी 17वां प्रश्न है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग किसे कहते हैं, देखिए ये भी UPSC टाइप का क्वेश्चन था, तो हंस पद जो लिखने में अच्छा जो छूट जाता है आप ऐसे बनाते हैं वही हंस पद होता है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अंग शब्द का क्या अर्थ नहीं है, 19वां जो क्वेश्चन है उसका जो अर्थ है वो हो जाएगा अंग, अंग नहीं, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। पीताम्बर का बहुव्री हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो तीसरे का बोध कराता है वो बहुव्री समास होता है, जैसे नीलकंठ इत्यादि बहुव्री। अब शुरू हो गई आपकी इंग्लिश में भी पहले पैराग्राफ है, और इसमें जो पहला प्रश्न है कि हु टेल्स अबाउट द थिंग्स टू बी सीन इन द कंट्री, 21वां नंबर इसका ट्यूटर हो जाएगा, ऑप्शन सी। व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेवलिंग इन ए कंट्री, 22वां नंबर को हो जाएगा डी, ये कंपनी ऑफ फैमिली मेंबर। 23वां, द ग्रेव सर्वेंट एंड कंप्लाइनिंग, ये 23वां नंबर, तो इसका जो सही उत्तर है वो ए ही सही हो जाएगा, ऑलरेडी विजिटेड द कंट्री ऑफ ट्रेवल। 24वां है, इसका बी हो जाएगा, वन शुड विजिट द कोर्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये देख लीजिए, लिसनिंग टू एम्बेसडर। फिर आता है आपका 25वां, हु लर्न्स फ्रॉम ट्रेवलिंग, कौन सीखता है, तो सीखते यंग मैन ही सीखते हैं। इसके बाद में चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, 26वां नंबर, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, 26 का सी। अब आइए 27वां नंबर पर, अब पुट, ये बैक हो जाएगा, यहाँ पे घड़ी को पीछे करना है, फास्ट चल रही है तो ये बैक हो जाएगा। इसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ट, तो इसका बी है, TRULY होता है, ई नहीं होता। और 29वां है, 29वें का आपका ए सही हो जाएगा, द इंस्टीट्यूट इज थ्रूली बैड, पूरी तरीके से बेकार है। और फिर 30वां हो जाएगा, जीरो आवर किसी खास जो ऑपरेशन को हम शुरू करते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी। 31वें का सी सही हो जाएगा, बोथ ही एंड हिज सन वर प्रेजेंट। इसके बाद में 32वां है, जॉन लुक्ड एट द ताज एंड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज वेरी मैग्निफिसेंट, इसका बी हो जाएगा। और बस थोड़ा सा इसमें वो कि इसमें वेरी लगा दिया इसलिए लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। द पेन इज मच चीपर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके बाद में 34वां प्रश्न है,
वंडल पूछा है, इसका ए हो जाएगा वन हु डिस्ट्रॉय वर्क्स ऑफ आर्ट। 35वां है एवरीवन लव्स हिम, इसका हो जाएगा ही इज लव्ड बाय एवरीवन। तो 35 का डी सही हो जाएगा। शुरू हो गया आपकी मैथ, 11 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, चार हैं, ए बी सी अमीर है। 37वां प्रश्न, तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर। इसके बाद में अगला है आपका 110 कबूतर और 90 खरगोश। और इसके बाद में आपका जो है ये दो तीन प्रश्न जो है ये संप्रेषण के हैं, इनके मैं बाद में कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। इसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 192,000 आएगा। और अन्य से भिन्न को चुनिए, ये एनपी 31 वाला जो है ये सही हो जाएगा। और इसके बाद में 46वां प्रश्न है, इसका जो है या तो फर्स्ट या तो सेकंड, ये वाला सही हो जाएगा। 47वां रोज वाला बहुत ही सिंपल है, आर का 6 है, ओ का 8 है, और इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न आ गया, ये जो होगा ये प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है। और 49 जो प्रश्न है, 49 का समकालिक, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 50वां जो प्रश्न है, 50वें का ए सही है, ए ये वाला। और तीन चार जो प्रश्न छूट गए संप्रेषण वाले, वो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा थोड़ी देर में या 15-20 मिनट बाद। इसमें लिखा 1 जनवरी को रविवार था, कोई भी जब साल होता जिस साल शुरू होता उसी साल को ख़त्म होता है, एक दिन का अंतर होता अगले साल में, तो ये आपको जो उत्तर है इसका सोमवार हो जाएगा। उसके बाद में कुछ हाथियों में सुन होती है, 52 का बी, और अन्य से जो भिन्न हैं वो 144 है, बाकी क्यूब है, ये स्क्वायर 12 का है। और इसके बाद में ये भी संप्रेषण का क्वेश्चन है। और फिर 55वें क्वेश्चन पे आइए, और इसका जो है ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, आर एन ई एस वी जेड क्यू डी। फिर है आपका 56वां का 398, और इसके बाद में आपका 58 वाला है, 58 का जो ये प्रश्न है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, तो इसका जो उत्तर है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब माता ये 15 आ जाएगा। इसके बाद में रंगों के संप्रेषण वाला, ये रंग विद्या है। और दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी भी अंतर्वैयक्तिक दक्षता कहलाती है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इसके बाद में जब आप ये वाला क्वेश्चन आया है 62 अन्य अभिविन्यासित, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, मान लेते हैं कि अन्य व्यक्ति सदैव सही है। 63 नंबर इसका अभिनव हो जाएगा, अभिनव सबसे तेज दौड़ता है। और इसके बाद में जो अगला है 64, इसका संदर्भ है समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणी तत्व होता है, संदर्भ है। और 65वें का ए सही हो जाएगा। और 66वां नंबर जो प्रश्न है, 66 का भी ए चरम सशक्तिशीलता एक्सट्रीम, तो ए नंबर सही हो जाएगा 66 का। 67 का देख लीजिए, वैसे तो ये प्रश्न गलत लग रहा है, ये 2.5 आ सकता है। और किस शताब्दी में फरवरी में 29 दिन होते हैं, तो इसमें 4 का भाग तो जाता है मगर 400 का भाग नहीं जाता है, तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। फिर भी अगर आपको 4 का भाग देना है तो ये हो सकता है। वैसे प्रश्न गलत है, 400 का भाग जाना चाहिए जो कि नहीं जाता है लीप ईयर के लिए। और 10 कमीजों का मूल्य, इसका 25% का लाभ हो जाएगा। 70वां प्रश्न है गेंद बल्ला, यही है। और एक त्रिभुज की लंबाई, 4√3 वाला है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, समस्या को पहचानना तथा परिभाषित करना। इसके बाद दो संख्याएं एक प्रकार की हैं, उनके वर्गों का अंतर है, तो ये प्रश्न ही गलत है। और इसके बाद में 73 नंबर ये नहीं हो पा रहा, आप लोग देख लीजिएगा, इसको भी प्रश्न गलत लग रहा है। उसके बाद में 74 नंबर है एक्स क्यूब वाला, और इसका जो सही आंसर है वो x+3 और x+3, ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और इसके बाद में जो अगला है ये हो जाएगा आपका चक्रक, वह नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय प्राध्यापक हूँ, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा जो सी सही हो जाएगा। 76 पे आ जाएगी, 76 में ये 72 है, और ये 15 है ए ऑप्शन, 77 का ए सही हो जाएगा। इसके बाद में आपका 78 का ए सानिध्य उपयोगिता और अकेलापन, 79 नंबर आ गया, 79 का ए है, 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद में लुप्त संख्या कौन सी है, ये भी आसान था, 71 आ गया। दो संख्याओं का HCF LCM वाला, इसका 48 आ जाएगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है 82 का है बुद्धि युत, ये वाला ए ऑप्शन सही है, ये बिल्कुल।
अब आइए 83 में, 83 में ये 81% वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि 21% होता है। और इसके बाद में जो आपका अगला प्रश्न है कि वह कौन सी मानसिक प्रकार है, तो मानसिक प्रकार वाला का है प्रकार्यात्मकता स्थिरता, तो 84 का बी। इसके बाद में है 85, 85 का बी है 2x+1 और ये, और इसके बाद में आया 86, ये भी लोगों ने कर लिया है, 32 आएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसके बाद में आपका है कथन और कारण, तो केवल दो तर्क सेकंड यही प्रबल लग रहा है। इसके बाद में 88 प्रश्न है, तो ये पूर्व आएगा, फिर 89 है, 89 में ठुड्डी होना चाहिए वैसे। और इसके बाद में आपका आ गया 90, इसका आएगा 4.9 आएगा 90 का। अब शुरू हो गया आपका 91, तो 91 का ये है आपका विकल्पों के मध्य चयन करना, बी ऑप्शन सही है। फिर आया 92 में ये खेल और सोना वाला, 25%, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 92 का सी, कालिक संप्रेषण, ये है क्रोनिमिक्स के रूप में, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद में आपका है 94 का ए सही है, ए डी ई एक लाइन में है, ए डी ई। फिर है 95 का डी है, 61। इसके बाद में देखते हैं अगले प्रश्न को, है ये कोड दिया है, डेट को ये कहा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो XLNV और दूसरे चित्र में X क्या है, यहाँ पर इसका मान निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका 29, ये है 29, ये तो ये 17 का भाग देना है, पूरा चला जाएगा, 23 का भाग पूरा चला जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका भाग 174 में चला जाए, तो 29 का भाग चला जाएगा, तो ये 29 है। ये हो गया आपका लगभग 92 प्रश्नों के जवाब, 7-8 प्रश्न बचे हैं, उनके जो जवाब है मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। और अगर आप लोगों ने मिला लिया हो तो आप लोग ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। पहला जो पेपर दिया था वो पेपर भी आपका कैसा था उसके बारे में भी बताएं। वैसे जिस तरीके का पहला पेपर था फर्स्ट पेपर, उसी तरीके का सेकंड पेपर भी इन्होंने बनाया है। पहले पेपर में बहुत बड़े बदलाव किए हैं, जो इन्होंने जनसंख्या ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे और उत्तर प्रदेश स्पेशल का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो ये बड़े बदलाव किए हैं। संभावित कट ऑफ का कल शाम को मैं एक वीडियो बनाऊँगा, और जो मित्र इस चैनल पर नए हों वो भी इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर अच्छे लगते हो तो लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।